असी ये गल जानते हैं कि धर्म बड़ा संवेदनशील मसला है। धर्मक संवेदना भड़काउण दे लई जदों यतन किए जाते हैं तो इन्हां दे पिछे कोई ना कोई सियासत हुंदी है। पिछले दिनों दे विच श्री आनंदपुर साहिब तख्त साहिब के उपर जो घटना वापरी है वह अत मंदभागी ते निंदण योग है। इस घटना के बारे श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि ये पिछे सरसे वाले डेरे की एक साजिश नज़र आती है। ये घटनावां क्यों वापरिया ने सिखां दे नाल अजिहा क्यों हुंदा आपां थोड़ा पिछे जाइए। 1978 की विसाखी वाले दिन अमृतसर विखे सिंघां दा कतलेआम हो जाता। उस तो बाद जून 84 दे विच श्री अकाल तख्त साहिब ढाया जाता। दिल्ली दे विच दंगे हुंदे ने। इस तो अगे जाइए तो पिछले दिनों दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी दी घटनावां हुण श्री अकाल तख्त साहिब ते। इन्हां घटनावां दे बारे जो कुछ आनंदपुर साहिब दे विच वापरिया तो कई लोग कहणगे कि ये किसी सिर फिरे दा जां दिमागी तवाजन बिगड़न करके गल हो सकती है, परंतु सानू एक गल समझनी चाहिए है कि ये घटनावां एक लड़ी दे विच वापरिया ने। सब तो पहला सिखां दे केंद्र श्री दरबार साहिब दे उत्ते हमला हुंदा। उस तो बाद सिख दुनिया पद्धर ते इस गल करके मशहूर ने कि यह गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अपना विश्वास रखते हैं। सिखां दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच विश्वास नू तोड़न दे लई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुंदी है। ते हुण फिर अमृत दे नाल खालसे की जन्म भूमि दे उत्ते खालसे दे जन्म स्थान दे उत्ते जाके एक बकायदा तौर पर लुधियाणे तो व्यक्ति जांदा उत्थे जाके जिस तरह तंबाकू जां बीड़ियां खिलारदा बीड़ी पींदा जां खिलारदा तो ये एक तरीके दे नाल सिखां दे जिहड़ियां भावनावां नू छेड़न दा भड़काउण दा एक कोझा यतन है। इहदी सानू वध तों वध निंदा करनी चाहीदी है। जदों असीं अजिहीआं घटनावां दी निंदा करदे हां तां सानू नाल दी नाल ये सोचना चाहीदा कि ये घटनावां अगे ना वापरन। इस दे लई सानू की करना चाहीदा, इहदे लई एक सरकार नू जां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नू जां बाकी धर्मां दीआं वख वख संस्थावां नू ये गल स्थापित करनी चाहिए कि किसी भी धर्म दीआं भावनावां दे नाल कोई व्यक्ति छेड़छाड़ ना करे। हाँ, जिहड़ी घटना वापरी है ये पिछे जेकर इहदी उच्च पद्धरी जांच होवे कोई ना कोई साजिश सामने आएगी, क्योंकि आने वाले समय दे विच पंजाब दे विच चोणां बहुत नेड़े ने। पंजाब दे लोक जिस तरह किसानी मुद्दयां दे उत्ते एकजुट ने राजनीतिक पार्टियां तों उपर उठ के जां राजनीतिक मतभेदां तों उपर उठ के जिस तरह किसानी ने अपनी एकजुटता दिखाई है, ये जापदा कि कई बार ये हुंदा कि लोगों का जिहड़ा ध्यान है उन्हें होर पासे करन दे लई अजिहीआं साजिशां रचियां जांदियां ने। पंजाब ने पहला बहुत संताप भोगिया है। पंजाब दे विच असीं जाणदे हां कि 1980 दे विच मंदरां दे विच गऊं दीआं पूछां गुरद्वारां दे विच बीड़ियां सिगरटां सुट्टण दा एक रुझान चलिया सी, ते वख वख जिहड़े फिरके ने उन्हां दे विच तनाव पैदा किया गया सी। पंजाब दे विच तनाव पैदा ना होवे, वख वख फिरकियां दे विच कोई झगड़ा ना होवे, इहदे लई जरूरी है कि सानू अजिहे इंतजाम करने चाहीदे ने कि अजिहीआं घटनावां ना वापरन, और अजिही घटना दी हर धिर नू निंदा करनी चाहीदी है। जिथों तक डेरियां दा संबंध है, मैनू जापदा कि पंजाब दे विच जो डेरे ने उह इक साजिश दे अधीन खड़े किए गए ने। इन्हां नू राजनीतिक तौर पर सरप्रस्ती मिली हुई है। जेकर असीं अजिहा करांगे तो आने वाले समय दे विच पंजाब दी जिहड़ी शांति है ये इस तरह बरकरार नहीं रहेगी। सो सानू समुचे पंजाबियों नू इस घटना की वध तों वध निंदा करनी चाहिए है कि आने वाले समय दे विच, क्योंकि आपां जिस तरह गल कर रहे सी कि श्री आनंदपुर साहिब खालसे की जन्म भूमि और खालसे दीआं जिहड़ियां रहत दे विच इह है कि जिहड़ा खालसा वह तंबाकू की वरतों ना करे। ये सारे जाणदे आ कि धार्मिक स्थानां दे उत्ते खास करके गुरद्वारां दे विच बीड़ी तंबाकू की मनाही है, ते जिहड़े लोग बीड़ी तंबाकू वरतदे भी ने उह भी गुरद्वारे विच जाण दे बजाय कई वारी बाहरों ही गुरद्वारे दे अगे अपने जिहड़ी अरदास कर लैंदे आ। अपने तौर पर सचेत होंदे आ कि साडे जिसम दे नाल साडे कपड़ियां दे विच
बीड़ी या सिगरेट है, परंतु वह भी बाहरों गुरुद्वारे नमस्कार करते हैं, वह लोग भी अंदर नहीं जाते। परंतु इस घटना के शासककर्ता ने जान बुझ के पहला अमृत छकिया, फिर अमृत भंग किया, बाद दे विच उचेचे तौर पर लुधियाने तो चल के वह आनंदपुर साहब पहुँचता है। तो इस गल की कोई उच्च पद्धरी जांच होएगी, तद सानू पता लगेगा। जो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने यह गल कही है कि सानू अजिहियां घटनावां रुकना चाहिए, तो ये साडा सारयां दा एक सांझा फर्ज है कि पंजाब की जिहड़ी शांति है इहनू बरकरार रखण दे लई सारियां धिरां, भावें उह सरकार है जां राजनीतिक पार्टियां ने जां वख-वख धार्मिक संगठनां दे लोक ने, इन्हां नूं इकट्ठे तौर पर अजिही घटना की निंदा करनी चाहिए।